आप सबके बीच अपनी भावनाओं को लिए। आदरणीय यहाँ उपस्थित सभी परिवार के, खासकर मैं जिनको आज सबसे ज्यादा जिनका साधुवाद और धन्यवाद करना चाहता हूँ, वो ये प्यारे मध्य प्रदेश और देश के सारे भविष्य यहाँ बैठे हैं, उनको सबको मैं प्रणाम करते हुए, एक ऐसी सोच, एक ऐसा विचार जो अपने व्यक्तित्व में हमेशा इस भाव को जीते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन के पूरे अनुभव को, युवाओं के जोश को, आने वाले मध्य प्रदेश के समृद्ध मध्य प्रदेश के भविष्य, वो चाहे वैचारिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मध्य प्रदेश की गरिमा के अनुरूप देश में उत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ मध्य प्रदेश बने, इस भाव को आत्मसात करके पूरा अपना जितना अनुभव है उसको समराइज करके पूरी ताकत से मध्य प्रदेश समृद्ध बनाने में लगे आदरणीय कमलनाथ जी का सबसे अनुरोध है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत। मध्य प्रदेश के हमारे द्वय मंत्री द्वय आदरणीय पीयूष जी, यहाँ उपस्थित और सम्मानित सभी सभागृह में विधायकगण, सभी अधिकारीगण, सभी प्रोफेसर्स और परिवार के सभी उच्च शिक्षा विभाग के साथीगण, पत्रकार साथियों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मुख्यमंत्री जी ने, जो उनकी मूल भावना है कि युवाओं की सोच के अनुरूप मध्य प्रदेश चले और उच्च शिक्षा विभाग कम से कम इसके भाव को जीते हुए अपना कार्य करें, ये जिम्मेवारी मुझे दी और मैं समझता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं एक नए नवाचार की। आज भारत में राजू जी की 75वीं वर्षगांठ के स्वरूप मैं समझता हूँ देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री तो थे ही, आर्थिक, औद्योगिक और नागरिक कल्याण और उस शिक्षा में उनके योगदान को भी आज याद किया जाता है। युवाओं के एक विजन के साथ 18 साल का मत का अधिकार राजू जी ने दिया, संचार क्रांति, औद्योगिक क्रांति, और मैं समझता हूँ कि क्रांतियों के जनक, संचार क्रांति के जनक के रूप में उनको पूरे विश्व में जाना जाता है। आज जिस तरीके से पंचायती राज की स्थापना की बात हुई, या जिस तरीके से नए नवाचार को लेकर औद्योगिक क्षेत्र में नई बातें हुई, बच्चों पर अत्याचार और शोषण को बचाने के लिए राष्ट्रीय बाल मजदूरी की नीति बनाने की बात हुई, 2400 लोक अदालतों के तहत 10 लाख मुकदमे एक साथ निपटाने का रिकॉर्ड की बात हुई, इसमें राजू जी के शासनकाल को याद किया जाता है। मैं इस वक्त ये बताना उचित समझता हूँ कि आदरणीय सर, आपके निर्देश अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने नए संकल्प के साथ एक नया नवाचार कैसे शिक्षा नीति में आए, और उच्च शिक्षा के माध्यम से बच्चों को रोजगार, जिसका आपका फोकस होता है स्किल, उसकी एक विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ हमने अपने नए नवाचार के कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की सर। निःशुल्क पुस्तक पाठ्यक्रम आपका निर्देश हुआ था, जो OBC वर्ग और ST/ST के साथ वो स्वर्ण गरीब जिनके 10% आरक्षण की ताकत आपने दी सर, हमने इसी साल से वो उस शिक्षा विभाग ने उन बच्चों को निःशुल्क पुस्तक बांटने का काम और उस आरक्षण को मूर्त रूप देने का काम भी उस शिक्षा विभाग के हमारे अधिकारियों ने किया, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। 23 निजी विश्वविद्यालय और 20 शासकीय विश्वविद्यालयों में यूनियन एक साथ इंग्लिश लैंग्वेज को, जैसा सर हर बार कहते हैं कि हमारे परिवार के बच्चे पढ़ तो जाते हैं, डिग्री ले लेते हैं, पर रिज्यूम लिखने की बात आती है तो परेशान हो जाते हैं, तो वर्ल्ड वाइज आपको रोजगार तब मिल सकता है जब आपकी इंग्लिश, मैं समझता हूँ, उस उच्च स्तर की हो। इसके लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हमने एक टाइप किया और उसके तहत आपके निर्देश अनुसार आप ही के मार्गदर्शन में हुआ, ये भी एक इस साल का हमारा नवाचार है। मैं कई बातें ऐसी है जो यहाँ बताना चाहता हूँ, पर कॉमन कैरियर पोर्टल जिस पे बच्चे जो जिस विधा में पारंगत हुए, जो डिग्री लेके आए और जिन कंपनियों को इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है, दोनों को एक स्थान पर लाने की आवश्यकता थी, वो भी उस शिक्षा विभाग ने, मैं समझता हूँ, एक नया नवाचार किया, जिससे रोजगार के क्षेत्र में बच्चों को सहायता भी मिले और उन कंपनियों को जिनको इस तरह का हमारे बच्चों की आवश्यकता, उनको भी एक स्टेज मिले, इसको लेकर हमने काम किया। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, और मुख्यमंत्री जी चूंकि सारे बच्चे जिज्ञासा में हैं, उनको बातें करनी है CM साहब से, अपने विचार जानने हैं, उनके सवाल है कुछ, उनको पूछने हैं, मैं समझता हूँ कि लगभग 776 कॉलेजों में आप जैसे परिवार के लोग बैठे हैं और इस आयोजन को लाइव देख रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, और युवाओं के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच क्या है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश समृद्ध बने इसके लिए उनके पास किस तरह की एक नई विचार के रूप में वो
मैं समझता हूँ पूरे मध्य प्रदेश को लेस करना चाहते हैं, जिसमें राजू जी का मूल भाव, जिसमें नफरत रहित है, सद्भावना है, भाईचारा है, समृद्धि है, अपने प्राणों को चिथड़े चिथड़े अपने शरीर के उड़ा दिए, देश की एकता और अखंडता के लिए वो भाव है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ काम किया है, एक परिवार के रूप में उस परिवार को जिया है, और साथ ही साथ हर संकट की घड़ी में गांधी परिवार, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी के साथ मुख्यमंत्री का हर दर्द में, हर सुख में, हर दुख में कहीं न कहीं नाता रहा है। इस अवसर पर यह भी सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री भी वो है और उस परिवार से, राजू जी से उनके संबंध भी वैसे थे, ये दो बात सामने आई है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए फिर एक बार सबको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के एक बार जोरदार तालियों से फिर स्वागत का आह्वान करता हूँ। जय भारत, जय